फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन क्यूजिन की एक फेमस रेसिपी पिठला, या फिर प्याज वाला बेसन हम जिसे कह सकते हैं। यह बहुत ही इजी, क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है, फिर भी टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। तो आइए अब हम पिठला या बेसन, प्याज वाला बेसन के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। और इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। प्याज वाला बेसन बनाने के लिए या पिठला बनाने के लिए हमें लेना है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, राई, जीरा, नमक, तेल, लहसुन को मैंने बारीक चॉप करके लिया है, हरी मिर्च भी बारीक कट करके ली है, अदरक को हम फ्रेशली ग्रेट कर लेंगे और ये थोड़ा पत्ती वाला लहसुन भी लिया है, 3/4 कप बेसन, हींग हमें लेना है, 2 प्याज को मैंने बारीक कट करके लिया है और हरा धनिया हमें लेना है। फ्रेंड्स, बेसन बनाने के लिए हमें सबसे पहले, ये मैंने 3/4 कप बेसन लिया है, इसको हमें पानी में घोलना है। बेसन को ले लेती हूँ मैं बॉल में और बेसन को आसानी से ठंडे पानी में घोला जाता है और इसमें लम्स भी नहीं पड़ते हम ठंडे पानी में घोलते हैं तो, और लम्स ना पड़े इसके लिए एक तरकीब और है कि यदि हम इसको छान के लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आसानी से ये घुल जाता है। अब मैं थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लेती हूँ। एक से डेढ़ कप पानी डाल के बेसन को घोल दिया है, अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, अब बेसन बनाने के लिए हम कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल लेंगे। थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा हो तो बेसन का स्वाद बहुत अच्छा आता है। प्याज वगैरह हमें इसमें सौते करना है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि बेसन के लिए ऑलवेज यदि हम मूंगफली का तेल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वाद इसमें आएगा। बेसन की कोई भी डिश बनानी हो, नमकीन डिश, तो उसमें मूंगफली का तेल ही लेना चाहिए। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें राई डाल देते हैं 1/2 टीस्पून और डालेंगे थोड़ा सा हींग 1/4 टीस्पून। राई अच्छी तरह फूट रही है, अब हम इसमें डाल देते हैं 2 प्याज मैंने बारीक कट करके लिए हैं, इसे हमें सौते करना है। ज्यादा एकदम ज्यादा सौते नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा, ये बहुत गर्म तेल हो गया है प्याज, एक हाथ में हमने सौते किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च और बारीक कटा हरा लहसुन, 1 मिर्च मैंने बारीक कट करके ली है और 4-5 कली लहसुन लिया है, लहसुन का थोड़ा प्रोमिनेंट फ्लेवर है और हरा पत्ती वाला लहसुन भी हम ठंड के सीजन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए पत्ती वाला लहसुन भी हम ले रहे हैं। मिक्स कर देते हैं 1-2 मिनट के लिए। लहसुन प्याज अच्छी तरह सौते कर लिया है हमने, पत्ती वाला लहसुन हम प्याज में बाद में डालेंगे, अभी मैंने दूसरा लहसुन लिया है। अब मैं हम इसमें लेती हूँ 1 टीस्पून जीरा और थोड़ी सी हल्दी, हमें 1/4 टीस्पून ही लेनी है, ज्यादा हल्दी नहीं लेनी है बेसन में। मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, प्रोमिनेंट फ्लेवर लाल मिर्च का भी मैं इसमें दे रही हूँ, आप आपकी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, पर बेसन थोड़ा चरपरा हो तो ही बहुत इसमें मजा आएगा खाने में। थोड़ा सा गैस को धीमा कर देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने जो बेसन घोल के रखा है इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं, मतलब नीचे जम जाएगा ये बेसन, और अब हम इसमें डाल देते हैं 3/4 कप। इसको मिक्स करते जाना है ताकि लम्स ना पड़े और थोड़ा पानी भी इसमें हम मिलाते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 कप पानी और है ये, अब ये काफी गाढ़ा होता जाता है, थोड़ा पानी और मिक्स करेंगे इसमें। टोटल इसमें 2.5 से 3 ग्लास पानी हमारा गया है, इतनी अभी पतली कंसिस्टेंसी, जैसे इसमें उबाल आएगा ये ठीक होता जाएगा। बेसन को हमें बीच बीच में हिलाते रहना है और इसको हमें उबालना भी है। पहले हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा नमक स्वादानुसार। बेसन कई प्रकार से बनाया जाता है, इसमें प्याज की जगह मूली वाला बेसन भी बनाया जाता है गर्मी के दिनों में,
छाछ डालकर भी बेसन बनाया जाता है, गाढ़ा बेसन बनता है, पतला बेसन बनता है और इसमें हम टमाटर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं इसमें थोड़ा फ्रेश अदरक ग्रेट कर रही हूँ, ड्राई खोबरा डालकर या फ्रेश कोकोनट डालकर भी बेसन बनाया जाता है। कई प्रकार से ये बेसन बनता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसको और अब हम इसको धीमी आंच पर उबलने के लिए हमें रखना है। अभी थोड़ा उबल रहा है, अब गैस को थोड़ा धीमा कर देती हूँ मैं और हमें ढककर इसको धीमी आंच पर उबलने के लिए रखना है। फ्रेंड्स अब हम खोल के देख लेते हैं, 2 से 3 मिनट हो गया है, 3 मिनट अच्छी तरह उबल गया है ये। एक बार बीच में इस तरह मिक्स कर देना है जिससे नीचे ये जमे नहीं और थोड़ा और हम इसको उबालेंगे। जितना बेसन को हम अच्छी तरह से उबालते हैं उतना ही अच्छा इसका स्वाद भी आता है और अच्छी तरह पक भी जाता है। अब मैं इसको 3-4 मिनट और उबाल लेती हूँ। फ्रेंड्स अब हम 5-6 मिनट हो गए हैं, खोल के देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह हमारा बेसन कुक हो गया है और ये तेल ऊपर आने लग गया है, इसका मतलब कि बेसन बहुत अच्छी तरह हमारा कुक हो चुका है। थोड़ा गैस को धीमा ही रख कर दिया है मैंने। बेसन इस तरह से ऊपर उड़ता भी है इसलिए थोड़ा केयरफुली दूर रहकर हमें करना चाहिए। अब मैं इसमें हरा लहसुन, पत्ती वाला लहसुन है ये इसमें डाल रही हूँ। ठंड के दिनों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका, ग्रीन गार्लिक और थोड़ा हरा धनिया हम इसमें मिक्स करेंगे और गैस को बंद करके मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही टेस्टी प्याज का बेसन या पिठला तैयार है। फ्रेंड्स आपको ये बेसन या पिठला रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप इस रेसिपी को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कीजिए।